एवरीवन एंड वेलकम टू अदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग जा रहे हैं गरबा खेलने। गुजरात में गरबा काफी फेमस होता है। हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं तो हम लोग को कुछ फ्री पासेस मिले हैं, वीआईपी पासेस मिले हैं, जिससे हम लोग की डायरेक्ट एंट्री होगी तो उसमें हम लोग गरबा भी खेल सकते हैं, देखना हो देख सकते हैं। और मेरे साथ तीन चार लोग और हैं तो काफी मजा आने वाला है, तो निकलते हैं अब। तो ये हम लोग का वीआईपी पास है, तो मैं सबको कॉल कर दिया, सब नीचे आ रहे हैं, तो अब चलते हैं सीधा गरबा खेलने। तो हम लोग इस गाड़ी से जाने वाले हैं, तो ये हम लोग को ड्रॉप करेगी ग्राउंड पर। और ऑलरेडी 9 बज गए हैं तो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, कहीं गरबा के लिए लेट ना हो जाए। और ये जो सारे लोग हाथ जोड़ के यहाँ, इनकी फ़ोटो लगी है, ये सारे स्पॉन्सर हैं। और एक बात और, इस वीडियो में वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि मेरे साथ सारे लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं, तो उनके सामने मेरे को भी थोड़ी शर्म आती है। तो ये है वो ग्राउंड जहाँ गरबा होने वाला है, लेकिन ये काफी खाली खाली सा है, लगता है हम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। चलो कोई नहीं, आप लोग जब तक ये ग्राउंड देखो, कितना खूबसूरत ये ग्राउंड है, इसको सजाया बहुत अच्छे से, थोड़ी देर में शायद लोग यहाँ पे आने लगेंगे। और जब तक कोई नहीं आता, कुछ फोटोज क्लिक कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची आई, उसको मैंने बोला यार पोज मारो, बट वो काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन जैसे उसके पापा ने अप्रूव किया एंड शी डिड दिस। फिर हम लोग कहीं जाकर बैठ गए, यहाँ कुर्सियाँ जमी नहीं थी, फिर भी क्योंकि हम लोग वीआईपी थे तो हम लोग यहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद हमें यहाँ से उठाया और लोगों ने कुर्सियाँ जमाई, थैंक यू सो मच। और फिर कुछ बच्चियाँ जाती हुई दिखाई दी, तो उम्मीद जगी अंदर से कि शायद अब गरबा स्टार्ट होने वाला है, लेकिन नहीं यार, अभी तो बस फोटो सेशन ही चल रहा है, सब लोग बस फोटो खींच रहे हैं अभी। और ये जो लड़का फोटो खींच रहा है, आई होप कि वो मेरे दोस्त से अच्छी फोटो खींचता हो। थोड़ी देर बाद कुछ और बच्चियाँ गरबा खेलती हुई दिखी, और वो कोने में 10 वर्षीय मैं मिट्टी से खेलता हुआ। नैनो की धार। फिर अराउंड 10 बजे बहुत सारे लोग आ गए और गरबा खेलना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरी अंदर आत्मा ने मुझे बोला, यार क्या ये आईफोन की क्वालिटी है, इतनी गंदी। फिर बस अपन ने थोड़ा कैमरा साफ किया और अब देखो, अब थोड़ा सा अच्छा व्यू आ रहा है यार यहाँ पे। लेकिन कोई भी लड़का डांस नहीं कर रहा है, बड़ा अजीब लग रहा था, सिर्फ लड़कियाँ लड़के डांस कर रही हैं। ओ वेट वेट वेट, ये आ गए हीरो लोग। चलो एक काम करता हूँ, तुम लोग को एक ना बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ जो आपको सिर्फ गर्व में ही दिखेगी। ये देखो, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। काका ने अराउंड 3-4 राउंड घूमे गरबा के, बहुत ही अच्छा लगा उनको देखकर। अभी ऑलमोस्ट 10:30 हो गया है और माहौल अब बनने लगा है। और ये बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली है जिसमें सारी लेडीज और जेंट्स ने काफ़ी अच्छे से मैचिंग किया हुआ है। फिर सबको देखते ही देखते बड़ा मज़ा आ रहा था और अंदर से एकदम मूड बन गया कि चलो गरबा खेलते हैं। तो जहाँ से एंट्री हुई थी वहाँ पे हम लोग भागते हुए गए और वहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी और ग्राउंड में आ गए। और हम लोगों ने चुना सबसे अलग सर्कल, और शायद यार ये प्रॉपर सर्कल भी नहीं है यार, ये तो मतलब बस हम लोग 5-6 लोग थे, तो हम लोगों ने इन लोग के साथ थोड़ा डांस किया। और फिर हम लोगों ने एक अच्छा सा सर्कल ज्वाइन किया जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डांस किया, काफ़ी अच्छा गरबा किया। और ये कैमरा इसलिए इतना हिल रहा है क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है। तो यार शक्ल क्या देखना है यार, आप लोग एक काम करो, गरबा देखो, गरबा एंजॉय करो। Thank you.
फिर अराउंड 11:30 बजे एक अनाउंसमेंट होती है कि अब थोड़ा रेस्ट का टाइम है, थोड़ी देर बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे, और इतने बजे फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। भाई रुको रुको रुको, वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो हमारे गरबा का सफ़र था, सफ़र हिंदी वाला। अभी घर वापस जाने का सफ़र स्टार्ट होने वाला है, मतलब इंग्लिश वाला सफ़र, क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो ऑटो मिलना मुश्किल था। बस का वेट करा लेकिन कोई भी बस हम लोग के लिए रुकी नहीं रही थी और हमको लेके नहीं जा रही थी। देन फाइनली एक ऑटो वाले का दिल पिघल गया, उसने हमें पिक किया और हम लोग को हमारे घर पे ड्रॉप किया, मतलब एक्स्ट्रा पैसे लिए उसने। तो ये था गुजरात का पहला गरबा का सफ़र, काफ़ी मज़ा आया हम लोग को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग एंड आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा, और अगले ब्लॉग में जल्दी ही मिलते हैं। एक अच्छी जगह पे जाएंगे इस बार गरबा खेलने और अच्छे लेवल पे गरबा खेलने हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खत्म।